एग्जीबिशन का समापन होने वाला है। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी कुछ यहाँ पे कलेक्शन कर रखा है, कुछ एंटिक्स आइटम भी रख रखे हैं, आप देख सकते हो। ये है रेत घड़ी है, ये रेत घड़ी बोलते हैं। ये रेत घड़ी एक मॉडल रूप है, नॉट ओल्ड, लिखा हुआ है इस पे मेड इन लंदन, लेकिन मैं मानता हूँ ये ओल्ड नहीं है, ये उसका मॉडल रूप है रेत घड़ी का। ये पुरानी नहीं है, दिस इज ये फरमान बॉक्स है, राजा महाराजाओं के जो लेटर्स जाते थे वो ये इनमें इनके द्वारा भेजे जाते हैं, इनमें रख कर और इनका इनमें खत रखा जाता था, लेटर रखा जाता था और उसमें सुरक्षित जाते थे। मैं मानता हूँ 100 साल का पीरियड इसका है, 200 साल का पीरियड इसका, 200 साल पुरानी है तो लगभग माना जाता है ये 100 साल पुरानी है। और भी यहाँ पे काफ़ी है जो ओरिजिनल चल रही है, आप देख सकते हो ये इसकी भी थोड़ी जानकारी लेते हैं। और ये अभी भी कार्य कर रही है अपना, तो सर ये कितनी पुरानी मशीन थी आपके हिसाब से? ये कार्टियर घड़ी है, नेट पर यदि हम सर्च करेंगे तो इसका 60,000, 70,000, 1,00,000 रुपए तक इसकी कॉस्ट होती है। इसकी यहाँ मात्र जो है 10,000 रुपये रेट रखी गई है यहाँ पे, लेकिन आप हाँ कंपनी से आप डायरेक्ट मंगाएंगे ऑर्डर पर तो नेट पे आप सर्च कीजिए, कार्टियर 1,00,000 के आसपास का है। ये ज़्यादा पुरानी है, 40-50 साल पुरानी है। इसको देखिए आप, इसको देखिए, ये लगभग 150 साल पुराना ये कटार है, और इसमें फुल्ली गोल्ड वर्क हो रहा है, उर्दू का भी कुछ लिखा हुआ है। तो ये अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, धरोहर को बचाने के लिए यहाँ जो भी आइटम रखे हैं ये हैं, और कई पुराने भी हैं, कई नए आइटम भी हैं। जैसे कि इनको बोला जाएगा, इनको चपरास, राजा महाराजा के टाइम में उसके बाद भी जो वहाँ उनके सर्वेंट्स थे तो उनके कोट पर ये लगाते थे, आज भी कलेक्ट्री वगैरह में सर्वेंट्स लगाते हैं इनकी जानकारी। तो ये चपरास बोलते हैं, काफ़ी भारी होते हैं, लेकिन ये मुझे लगता है ये कॉपी है, ये ओल्ड है, जोधपुर का चपरास है फोर्ट का। कितने साल पुराना हो सकता है सर आपके साथ? ये 40-50 साल, ब्रिटिश पीरियड नहीं है, आज़ादी के पहले के आइटम नहीं है, ये न्यू बना हुआ है, नया बना हुआ, समय की मांग है। हाँ ये टोंक स्टेट का चपरास है, टोंक स्टेट का चपरास है, ये बेल्ट बक्कल है मध्य प्रदेश आबकारी विभाग का, ये भी 40-50 साल का पीरियड है इसका, मान के चलिए ये भी बेल्ट बक्कल है तिब्बती, तिब्बत का जो सिंबल होता है ड्रैगन, उसके आकार का ये बेल्ट बक्कल है। ये बिजनौर स्टेट, ये बहुत ही दुर्लभ बाट, ऐसा बाट आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, एंटिक आइटम, एंटिक बहुत यूनिक पीस, इस तरह का जो कटिंग वाला है ये कोई गिने चुने ही इंडिया में पीस मिलेगा, ये मेरे कलेक्शन में है। अब स्टेट पीरियड का है तो इतनी से आज़ादी के पहले का, तो मानिए आज़ादी के पहले का, हाँ ये आपके इनको बोलेंगे वीर कंगन, नेपाली ओल्ड कंगन। इस कंगन में ये देखिए आप, सभी देवी देवताओं के चित्र बने हुए हैं, मूर्तियाँ, हाँ मूर्तियाँ बनी हुई हैं। किस धातु का ऐसा? ये ब्रास तो है इसी, लेकिन मैं भी पॉसिबल कि अष्ट धातु का, अष्ट धातु का होने का मतलब है कि 200-250 साल 300 साल का पीरियड इसका हो सकता है, 200 से 250 साल। ये आप देखिए इसमें तलवार वगैरह लगाई जाती थी, तो तलवार की मूर्ति, इसमें ये एक तरफ टाइगर बना हुआ है और एक तरफ हॉर्स बना हुआ है, तो बड़ी जो तलवार थी उसके हिसाब से ये बड़ी मूर्ति, आगे तलवार लगाई जाती है, लात लगा कर तलवार लगाई जाती है। इसी प्रकार से ये देखिए आपको, हमको ये सिंपल स्टोन नज़र आ रहा है, लेकिन ये मरगज स्टोन होता है,
जिसकी अंगूठियाँ वगैरह बनती हैं, है ना, ये क्रिस्टल स्टोन है, अच्छे स्टोन की ये गणेश जी की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। कितने साल पुराने? ये ज़्यादा पुराने नहीं, इसका 10-15 साल पुराना, 10-15 साल, लेकिन अच्छा स्टोन है, अच्छा। जैसे आप देख रहे हैं वो पीछे जेड स्टोन के 3-3 किलो के घोड़े और हाथी बने हुए हैं, अंगूरी जेड स्टोन, ओल्ड पीरियड नहीं है, 40-50 साल का पीरियड है, फुल्ली गोल्ड वर्क हो रहा है। जी जी। और सर ये रखे हुए हैं, ये इनको हम बोलेंगे आपके ट्राइबल आर्ट, आदिवासी लोगों की आर्ट है, आदिवासी की कलाकृति से संबंधित ये घोड़े बनाए हुए हैं, और 50-60 साल का इसका लगभग पीरियड मुझे लगता है। तो जो लोग हॉर्स का कलेक्शन करते हैं या आदिवासियों की चीज़ों का कलेक्शन करते हैं, उनके लिए इसको एक अमूल्य धरोहर कहा जा सकता है। ये ब्रिटिश सिंबल है, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सिंबल होते हैं, ये देख रहे हैं आप, तो ये ओल्ड नहीं है, नए बने हुए। आज ये चीज़ ओल्ड होगी तो 20,000-30,000 रुपए की, लेकिन ये नया है, लगभग 800 ग्राम का है, इसकी कीमत 2,000-3,000 रुपए रखी गई है। पुराना मिलेगा नहीं, पुराना एक कलेक्शन करने वाला कहाँ तक कलेक्शन करेगा, तो इसलिए बाज़ार में नए आए हैं, समय की मांग को देखते हुए। ये देखिए, ये मैंने यहाँ अधिकतर बच्चों को बांटने के लिए रखा है, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं तो उनका कॉइंस के प्रति रुझान बढ़े, इसलिए मैंने यहाँ रख रखे हैं। ये USA के सिक्के हैं, इसमें जो एक तरफ चित्र है वो अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन उनका चित्र बना हुआ है, अलग अलग सन के हिसाब से हैं, अब्राहम लिंकन के हैं टोटली फुल्ली। तो अधिकतर मैंने ये बच्चों को बांटने के लिए रख रखे हैं, और कोई भाई जो परचेज भी करना चाहता है तो उसके लिए 10 रुपीज़ ईच इसकी मैंने कॉस्ट रखी। इसको बोलेंगे इंक पॉट, प्राचीन समय की, हाँ, शाही की दवात वो है, और इसका पीरियड मैं मानता हूँ कि 150 साल तो है, इससे भी ज़्यादा इसका मे भी पॉसिबल इसका हो सकता है, 150 साल पुराना, हाँ, ये कन्फर्म है, इम्पोर्ट है, शाही की दवात, इसमें पेन डुबोते थे शाही में और फिर लिखते थे, कलम डुबोते थे और फिर इस तरीके से इसको काम में लिया था। ये ट्राइबल आर्ट, आदिवासियों की कला, उड़ीसा की कलात्मक, इसमें होता क्या है, लोग बाग थके से जाते हैं, इसमें होता क्या है कि ये खुली सी पोली सी बॉडी है, तो उसके भीतर जो है कोयला भर दिया जाता है, और फिर लोगों से कह दिया जाता है कि इसमें तो भारी वजन है, ये है वो है, जबकि एक्चुअली है ये विश्व मानिए कि मुश्किल से 400 ग्राम ब्रास होगा, तो इसमें 1.5 किलो कोयला भर, लेकिन ये उड़ीसा की ट्राइबल आर्ट, आदिवासी आर्ट के नाम से जाना जाता है, आदिवासी कला, इसी के कई आइटम आते हैं। इसको देखिए, इसको बोलते हैं पोर्सलिन, आज़ादी के पहले का ये आइटम है, पोर्सलिन कोई मसाला टाइप मिश्रित धातु होती है, उसी का ये ब्रिटिश फिगर बना हुआ है, और ब्रिटिश पीरियड है, कन्फर्म ब्रिटिश पीरियड एंड ब्रिटिश फिगर। जी हाँ, ये बुद्धा है लगभग 1 किलो 500 ग्राम के। अब एक आम आदमी को तो ये नज़र आएगा कि एक साधारण सा स्टोन है, जबकि ऐसा नहीं है, ये अंगूरी जेड स्टोन, जो अंगूरी कलर होता है उस कलर का है, दुर्लभ स्टोन होता है, जिसके जेड स्टोन के अंगूठियाँ वगैरह भी बनती हैं, इसको भी मैंने मेरे यहाँ स्टॉल पर रख रखा है, क्योंकि ये बाज़ार में आजकल ये चल रहा है केरवा, हाँ, केरवा के नाम से
अंबर केरवा इसके नाम से एक ठगी सा प्रयास चल रहा है कि इतना सा पीस जो है अंबर केरवा 5 लाख रुपए किलो 6 लाख रुपए किलो जबकि ऐसा इसके नाम से भी ठगी हो रही है। तो आम जनता को मेरी राय यह है अंबर के नाम से ठगने में नहीं है, कोई इसकी औषधि वगैरह नहीं बनती है, कोई कुछ नहीं है। दुर्लभ है अंबर मिस पेड़ से निकला हुआ गोंद, ये इस टाइप का आइटम है। तो आम जनता से मेरा कि वो ठगी का शिकार नहीं हो, इसके नाम से 2 लाख रुपए किलो 4 लाख रुपए किलो बाजार में बेचा जा रहा है। केवल एक कलेक्शन के हिसाब से आप रख सकते हैं, कोई 200-500 रुपए की चीज मिल जाए तो, ताकि इसमें अंबर के नाम से किसी को ठगने में आने की जरूरत नहीं। ये कल ले लिया, हाँ हमें हमारी संस्कृति की रक्षा करना चाहिए। धन्यवाद।